द्विज का तात्पर्य क्या है? जिसका दूसरा जन्म हुआ हो, पहला जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म ब्राह्मणों के संस्कारों के द्वारा, क्योंकि कई ब्राह्मण मिलकर के जनेऊ धारण कराते हैं। विप्र का तात्पर्य है बी माने बिना, अप्रामाने प्रयोजन, बिना प्रयोजन जो जीवों के कल्याण में तत्पर रहे उसी को विप्र कहते हैं। बी माने बिना, माने उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं हो, स्वार्थ को लेकर के वो धर्म नहीं करे, यद्यपि लोक कल्याण की भावना को रख करके और धर्म के कार्य में संलग्न रहे उसी को विप्र कहते हैं। द्विज माने ब्राह्मण, जिसका दोबारा जन्म हो, पहला जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म संस्कार संस्कारों के द्वारा ब्राह्मणों से। नहीं है विप्र बंद सब सादर बंदे, बंदनीय है इसीलिए तो विप्र है, इसलिए बंदनीय पूजिए विप्र जो वेद भी है ना, विप्र को ही तो कहा, विप्र ही तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो तो जिसका जनेऊ संस्कार हुआ हो वही व्यासपीठ में बैठ करके कथा सुनाने का अधिकारी है। विचार में करें कि हम लोग बुद्धिवाणी की देवी किसे मानते हैं? सरस्वती को। सरस्वती से बढ़ के कोई बुद्धि का वाणी का प्रदाता नहीं हो सकता। बंदे वाणी बिनाई को। तो जिन दिनों ऋषियों ने और देवताओं ने भगवान की कथा सुनने का निश्चय किया था उस समय तो सरस्वती प्रत्यक्ष प्रकट होती थी, तो देवता पकड़ करके सरस्वती जी से क्यों कथा नहीं श्रवण कर ली? अरे उनसे भी बड़ा कोई वाणी का वक्ता रहा होगा संसार में, परंतु अनाधिकारी होने के कारण सरस्वती जी को वो लाभ यद्यपि वाणी उन्हीं के कृपा से प्राप्त हुई, लेकिन केवल कृपा वाणी की है, अधिकार व्यासपीठ का नहीं दिया। लेकिन हम लोग मिल करके आज इसीलिए तामस धर्म कर ही नर पूजा मख अरु दान, देव न बरसें धरणी बोई न जामहि धान। धर्म तो बहुत होते हैं परंतु सब बेमतलब के, तामसी धर्म अनाधिकारी को अधिकारी बनाते हैं और फिर जय जय सीताराम करना। इसी कारण प्रकृत रुष्ट है, देखो गर्मियों में बादल है, अभी क्या जब पुरुष गड़बड़ करेगा तो प्रकृत गड़बड़ करेगी, एक दिन वो समय आएगा कि श्वास लेना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य क्योंकि पंच तत्व से पुरुष का निर्माण होता है और पंच तत्व से प्रकृति का निर्माण हुआ है, इस प्रकृति का मूलाधार मानव ही है, मानव सत्कर्म करेगा तो प्रकृति शुद्ध मुक्त होगी, और मानव जब दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, आचरण से हीन हो जाएगा, तो प्रकृति उसका फिर प्रतिफल उसे तुरंत बताना प्रारंभ कर देगी। तो पुरुष गड़बड़ करता है तो प्रकृति गड़बड़ करती है, मानव का इस समय पर संतुलन बिगड़ा हुआ है, अवकाय में फंसा है, यद्यपि राम को मानता है परमात्मा को मानता है, परंतु सो माया बस फिरेऊ भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना, और माया मिले न राम दुग्धा में दो गए। समस्या तो ये है, एक का हो जाए धर्म का हो जाए तो धरणी उसका पोषण करेगी, और केवल माया का हो जाए फिर थोड़ी सी धर्म की ओर जाए तो नहीं धर के रहा ना उधर का। पुरुष गड़बड़ करता है तो प्रकृति गड़बड़ करती है। आज गर्मियों में बादल छाए हुए हैं, जब बादल छाने का अवसर आएगा तो कड़ी धूप होगी, अब उस समय पर देखे रहो जितना सब कुछ दिया उसी का है, अभी अभी सबको बढ़िया धन प्राप्त हुआ प्रकृति से, परंतु कोई प्रकृति को पुष्ट करने के लिए 10 किलो अनाज का हवन नहीं करना चाहता अपने घर। ये पृथ्वी अन्न क्यों देती है? पृथ्वी केवल यज्ञ के लिए अन्न प्रदान कराती है। आप पुष्ट हो और अब मुझे भी पुष्ट करो,
स्वयं पुष्ट हो अन्न के द्वारा और प्रकृति को भी पुष्ट करो। यही तो उद्देश्य है प्रकृति का अन्न देने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस अन्न को लाए और वहीं से अपने मतलब का रख लिया, बाकी सप्लाई किया और सप्लाई के बाद जो माल आया तो लगे खुदाई करने जमीन की, गाड़ दिया पिलर, एक तल्ला दो तल्ला चार तल्ले दस तल्ले, कोई गाड़ी ले आया, कोई मोटरसाइकिल ले आया, कोई कार ले आया और बेदनादन प्रदूषण फैलाया। दिया था यज्ञ के लिए, यज्ञ का धुआं उड़े और पेट्रोल और कोयले का धुआं उड़ रहा है, तो गड़बड़ नहीं करेगी तो क्या करेगी? जिसके लिए जो वस्तु मिली है वह वस्तु का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग होगा। तो जीत ये तो व्यापक है, हमें आपको दिखाई नहीं देता, परंतु वो कृपा ना करे तो हमारी कृपा तो एक मिनट में जय सीताराम। कहने को बहुत कुछ है परंतु मूल उद्देश्य पर्याय कथाएं पर। मानव को धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और केवल बकुला भक्ति नहीं करनी चाहिए, निष्ठा से मन क्रम वचन से भगवान का दासत्व तो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है। और प्रारब्ध में जिसके जो लिखा है, आप पुरुषार्थ भी ना करोगे तो मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो लाख प्रयास करो फिर भी मिलने वाला नहीं है। धावे कोट हजार बसै न लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के मिले न तुलसीदास। अच्छा विचार करो कि सुखी होने के लिए तो चलो हम रात दिन परेशान रहते हैं, होते हैं, हम सुखी हो जाएं, हमें समृद्धियां मिल जाएं और हम रात दिन एक किए जाते हैं, परंतु दुखी होने के लिए कौन पुरुषार्थ करते हैं? बोलो, कोई चाहता कि हम दुखी हो जाएं उसके लिए कोई प्रयत्न करता है? दुखी होने के लिए कौन प्रयत्न करता है? सुखी होने के लिए तो हम रात दिन प्रयत्न करते हैं, दुखी होने का कौन सा प्रयत्न किया? परंतु क्यों दुख आ गया? जब हमने प्रयत्न नहीं किया तो फिर दुख नहीं आना चाहिए, तो जब प्रयत्न नहीं किया तब पर भी वो आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो प्रारब्ध में हमारे